और वहीं पुतिन ने यूक्रेन पर फाइनल अटैक करने की तैयारी कर ली है, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर बहुत बड़े हमले का दावा भी किया। यूक्रेन और रूस के बीच जंग भीषण रूप पहले ही अख्तियार कर चुकी थी, अब दोनों के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। यूक्रेन इस जंग में MLRS रॉकेट लॉन्चर का पहले से ही काफी इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन सेना ने MLRS से रूसी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार करने का दावा किया। यूक्रेन ने इस हमले में 122 mm BM-21 ग्रेड का इस्तेमाल किया। BM-21 ग्रेड से हमला, यूक्रेन मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि रूसी ठिकानों पर इस हमले के बाद रूसी खेमे में हाहाकार मच गया। उधर खेरसोन में रूस यूक्रेन में खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है, आर पार की जंग चल रही है। खेरसोन में यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने ताबड़तोड़ एक्शन किए। यूक्रेन ने खेरसोन में रूसी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला किया। इससे पहले पिछले 24 घंटों में रूसी हमलों से खेरसोन दहल गया था। रूसी सेना ने खेरसोन में रेलवे स्टेशन, गैस स्टेशन और यहाँ तक की मार्केट पर भी हमला किया था। रेलवे स्टेशन पर हमले से कई ट्रेनों में आग लग गई थी। उधर स्लाव में भी रूस ने भीषण हमला करके यूक्रेन को चेतावनी दी कि रूस के हमले और बढ़ेंगे। रूस ने यूक्रेनी सेना के वेयर हाउस पर भीषण बमबारी की।